जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद हमारा ये वीडियो आ रहा हमारे इस चैनल पर, और घर पर प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से हमने कोई वीडियो नहीं अपने चैनल पर इस पर डाला था दोस्तों। और प्रॉब्लम क्या दोस्तों, सुलेखा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला किसी भी चैनल पर, ना ही इंस्टाग्राम पर कोई रील वगैरह बनाई। दोस्तों, रील वीडियो बनाने में तभी मन लगता है जब घर पर सभी स्वस्थ हों, अच्छे हों, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और तो दोस्तों, जब कोई घर में प्रॉब्लम होती है किसी को, तो वीडियो बनाने में भी नहीं मन लगता है। और आज पूरे 15-16 दिन हो गए हैं तब से हमारा ये वीडियो आ रहा हमारे इस चैनल पर। अब हालांकि अब सुलेखा को आराम है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं है, अब दवाई चल रही है। और दोस्तों, मैंने वीडियो बनाना इसलिए बंद कर दिया था, मैं सोचा यार हमेशा घर में कोई ना कोई बीमारी बना रहता है, कोई ना कोई बीमारी पड़ा रहता है दोस्तों, इस वजह से सोचा हमेशा ब्लॉग डालते हैं तो ये बीमार, कहीं कोई बीमार, कहीं कोई बीमार। तो आप लोग भी सोचोगे यार इनके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी बना रहता है, कभी कोई ठीक ही नहीं रहता। एक दो भाई कमेंट भी कर रहे थे और उनका कमेंट भी ठीक था, सच में हमारे घर में कोई ना कोई किसी को कोई प्रॉब्लम बनी ही रहती है हमेशा। तो सोचा अब की बार हम ब्लॉग नहीं डालेंगे, जब सही आराम मिल जाएगा सुलेखा को तभी ब्लॉग हम डालेंगे, सब लोग अच्छे हो जाएंगे। तो हालांकि अभी तो आराम है। और कुछ भाई बहन हमारे बोल रहे थे कि लग रहा है अब की बार काफ़ी तंगड़ा वाला झगड़ा हुआ है संदीप भाई के घर। तो दोस्तों, हमेशा हर किसी के घर झगड़ा थोड़ी होता रहेगा, जैसे चलो कभी कभार हो गया है, इसका मतलब ये थोड़ी हमेशा हम लोगों का झगड़ा भी होता रहे। हो गया था तो आपस में समझौता भी हो गया, अब एक दूसरे से अच्छे से सभी लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है घर पर, तो इस वजह से हमने नई वीडियो डाला था। और दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं सुबह नहा के माता रानी की पूजा करके, और दोस्तों आपको बता दें, कुछ भाई बहन कमेंट कर रहे थे सुलेखा ने कल एक ब्लॉग डाला था अपने चैनल पर काफ़ी दिनों बाद, तो उस पर पता नहीं कोई भाई है, कोई बहन है, पता नहीं कोई भी कमेंट कर रहा था कि सुलेखा भाभी आप तो इतना पूजा पाठ कर रहे हो माता रानी का, फिर भी आप ठीक नहीं रहती हो। तो देखो, पूजा पाठ करने का मतलब है मन को शांत रखना, और अगर कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है या कोई बीमारी है, वो तो देखो दवाई लेने से ही ठीक होगी, और दवाई और दवा और दुआ की दोनों की ज़रूरत होती है दोस्तों। दोस्तों, हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग तरक्की क्यों नहीं कर पाते, चाहे मिडिल क्लास फैमिली बोलो या फिर मिडिल क्लास फैमिली से जो छोटी फैमिली होती है, उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों की जो कमाने की लिमिट होती है दोस्तों, 10 से 20 हज़ार से 30 हज़ार मान सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हम लोग कमा सकते हैं, ठीक। और उसी में हमारा पूरा घर का खर्चा भी होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई दोस्तों, ठीक है, और अपनी फैमिली में कोई ना कोई बीमार बना रहता है, ठीक है, उसी में बीमारियों के लिए पैसा, ठीक है। तो पैसा हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, यानी कि जितना कमाया उसका पूरा पूरा घर में ही लग गया। बहुत से ऐसे घर कम होंगे जिसके घर में कोई बीमार नहीं होता हो दोस्तों, हम तो चाहते हैं भाई किसी के घर में कोई बीमार ना रहे, सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, लेकिन फिर भी मैंने बहुत से लोग देखे। देखो, हॉस्पिटल में भी देखना आप लोग, 70% लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखो गरीब फैमिली से मिलेंगे हॉस्पिटल में, 70% कम से कम, 30% ही लोग ऐसे होंगे जो थोड़ी उच्च फैमिली से होंगे ना, सबसे ज़्यादा गरीबी लोग आपको दिखेगा हॉस्पिटल में, मैंने बहुत सी जगह देखे। तो इसीलिए दोस्तों, हम सभी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं उसी बीमारियों में, क्या करते हैं जितना कमाते हैं और उतना ही बीमारियों में निकल जाता है, और थोड़ा बहुत होता है वो घर के खर्चों में निकल जाता है, कोई पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे कर्जा भी हो जाता है दोस्तों, जब ज़्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती तो फिर तो कर्जा ही हो जाएगा। हाँ, हल्का पूरा अगर किसी का कोई मर्ज है, ठीक है, तो उस पर तो चलता रहेगा, ठीक है, जब ज़्यादा किसी को कोई तंगड़ा मर्ज होती है ना, तो फिर उसमें क्या है, इकट्ठा पैसा लगता है, 1-2 लाख की जब बात आती है तब क्या होता है, कर्जा होता है, कर्जा हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ ना जगह ज़मीन जो होती है ना, फिर मजबूरी में बेचनी पड़ती है, ऐसे ऐसे क्या होता है, धीरे धीरे पूरा घर बर्बाद हो जाता है, आगे चल के फिर लाइफ में कम से कम 1-2 पीढ़ी में कोई तरक्की नहीं कर पाते दोस्तों। इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, 4-5 महीने से हम बता नहीं सकते कितने ज़्यादा परेशान बने रहे हैं, वो तो हम ही जानते हैं। आप सभी को भी मैंने ब्लॉग भी डाला था, आप काफ़ी लोगों को पता है, जो भी लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं उन सभी को पता है कि 4-5 महीने से हमारे घर पर क्या परेशानियाँ चल रही हैं। और सोचते हैं अगर हम जो कुछ भी पैसा कमा रहे दोस्तों, अगर कमाते ना होते तो पता नहीं मेरी फैमिली का क्या होता सच में। और उस जितना भी कमा रहे हैं
बीमारी में जा रहा है दोस्तों, घर के खाना खर्चा में जा रहा है और बच्चों की पढ़ाई में जा रहा है दोस्तों। एक भी पैसा हम बचा नहीं पा रहे हैं और सोचते हैं दोस्तों जिनकी फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं दोस्तों और कमाने का कोई साधन नहीं है तो उनकी फैमिली पे क्या गुजर रही होगी दोस्तों, बता नहीं सकते हैं। देखो सबका भगवान होता है दोस्तों, धीरे धीरे सबको पार लगा देता है। बस अपना जो काम कर रहे हो वो करे जाओ और घबराने से भी दोस्तों कुछ नहीं होता है। आपकी बात, आप लोगों की भी बात सही है, आप लोग कमेंट करते हो दोस्तों, सभी का कमेंट भी देखते हैं और आपके कमेंट से दोस्तों हम मोटिवेट भी होते हैं। बहुत से लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं हमारी फैमिली के बारे में दोस्तों, हम सभी के लिए दिल से दुआ करते हैं। आप सब रेखा भाभी और भैया भी जाना चाहते हैं रूम पर जहाँ वो रेंट पर रहते हैं, भैया भाभी दोनों लोग, जहाँ दुकान है भैया की। तो भैया बोल रहे थे कि बच्चों की वजह से परेशान होना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को डेली स्कूल के लिए, आयुष और आरजू को डेली स्कूल के लिए जाना पड़ता है यहाँ से बाइक से छोड़ने के लिए। भैया भी जाते हैं, हम भी छोड़ने जाते हैं। तो बोल रहे थे भाभी को भी आराम है तुम्हारी, तो आप जाएँगे वहाँ पर फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तक आती है गाड़ी दुकान तक जहाँ रेंट पर रहते हैं, बस आती है बच्चों को लेने के लिए। और भाभी भी बोल रही थी अब आराम है हमें, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आज जाएंगे दोस्तों। कल मार्केट से गमला लेके आए थे, इसमें देखो ये फूल लगे हुए हैं, ये वाला मुरझा गया है दोस्तों धूप की वजह से। ये मैंने छांव में रख दिया, उधर धूप में रखे थे तो मैंने इधर छांव में रख दिया। ये देखो यहाँ इसमें देखो कितने अच्छे फूल आए, ये भी लेके आई, छांव में रखा है इस वजह से ये खिला हुआ है। ये नया पौधा लेके आई गुड़हल, एलो गुड़हल है, पीले कलर का फूल आएगा इसमें। दिन के 11 बज रहे हैं दोस्तों, बहुत चटक धूप निकली है। देखो यस अपनी मौसी के साथ में बैठा, क्या कर रहे हो यस हैं? फोन देख रहे हो? मौसी फोन चला रही हैं। आरजू, ओ आरजू दरस क्या कर रहे हो तुम? चूरन खा रहे हो? कह रही गंदी बात, चूरन नहीं खाओ यार। हम तो चूरन नहीं खा रहे, खा रहे। आरजू चली जाए आज, मैं कल लड़के तुम घर चले, आज चली जाए कल चले घर। अच्छा कल लेवा ले हो? कहीं फिर से आएगा बुखार? दवाई खाए ले? कहीं आज फिर दर्द उन लोगों? आज फिर उन लोगों? पता नहीं किस हिसाब का दर्द होता है इनको, जैसे दवाई खा लेती हैं, दवाई का जब तक असर रहता है दोस्तों तब तक तो इनको कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही दवाई का धीरे धीरे असर खत्म हुआ, धीरे धीरे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बताएं एमआरआई के लिए गए थे दोस्तों हॉस्पिटल में, तो परसों गए थे, एमआरआई तो नहीं हो पाई इनकी, लेकिन बोला कि 2 दिन बाद आना तब हो जाएगा। तो दोस्तों कल जाएंगे इनको फिर से दोबारा लेकर, एमआरआई स्कैन हो जाएगा दोस्तों, उसमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा दर्द हो रहा है, कोई नस वगैरह प्रॉब्लम कर रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो सब पता चल जाएगा वहां पर। और इसी दर्द की वजह से दोस्तों इनको बुखार भी आ जाता है, क्योंकि जब दर्द होने लगता है ज़्यादा तेजी में तो इनको घबराहट होने लगती है, घबराहट की वजह से इनको बुखार आने लगता है। अभी इस टाइम हल्का हल्का बुखार भी है, बोल रही है कि दर्द हो रहा है। दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग छत पर आ गए ऊपर, क्योंकि अब धूप भी नहीं रही तेज, और सुलेखा को हम छत पर लेके आ गए हैं। नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, अब आराम है दर्द? आराम पूरी तरह से। दर्द को इंजेक्शन लेके आए तो लगाया तो थोड़ी राहत मिल गई इनको, अब इनके कल इनको लेके जाइए तब वहाँ MRI करवाएं, दिखवाएं क्या प्रॉब्लम है। MRI इस वजह से करा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी इनकी शरीर में वो सामने आ जाएगी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर नहीं होगी तो फिर कुछ वैसा करवाएंगे।
और बहुत से लोग बोल रहे हैं भैया इनके कोई नस में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आपको बता दें, इनका जो पिछले साल ऐसा ही दर्द उठा था, तो मैंने एक दो लोगों को दिखाया था जो नसें वगैरह वो ठीक करते हैं, उनसे कोई आराम नहीं मिला था उस टाइम। और इनको मैंने दिखाया भी था, दो तीन लोगों से दिखाया था। तो इस वजह से हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते हैं, इनका अच्छे से इलाज करवाएंगे। MRI के बाद में सब पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैंने इस बार ठान लिया था कि सुलेखा जब ठीक हो जाएंगी तभी वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों हमें मजबूरन वीडियो डालना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप लोगों की आपस में कोई झगड़ा वगैरह हो गया, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही, लगता है तंगड़ा वाला झगड़ा हो गया। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और आप लोग देख सकते हो इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस वजह से हम ब्लॉग नहीं डाल रहे थे। जब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला तो दोस्तों वीडियो बनाना स्टार्ट हमें करना पड़ा। इधर भाभी खाना बनाने जा रही है, पालक की सब्जी। बेचारी भाभी भी अभी पूरी तरह से सही नहीं है, फिर भी उनको घर का काम संभालना पड़ रहा है, क्योंकि सुलेखा तो कर नहीं सकती हैं, इतनी ज़्यादा हालत अभी इनकी ख़राब है इस वजह से। और वैसे तो हमेशा तो नहीं ऐसी रहती हैं, लेकिन जब ठीक हो जाती हैं, इनको आराम हो जाता है ना, दर्द में राहत हो जाता है, तो काम करवा लेती हैं ये अपनी दीदी के साथ में। इस बार सुलेखा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। और दोस्तों इनकी किसी भी चीज़ में कोई हम कमी नहीं रखते हैं, खाने पीने की, जैसा भी डॉक्टर लोग बताते हैं कि ये खिलाओ, तो वही चीज़ हम लेके आते हैं इनके लिए, क्या करें, बहुत ज़्यादा परेशान है हम तो। थोड़े इधर उधर जा, थोड़े टहल लियो, एक जगह बैठो, बैठे वैसे हो जाते ना नसें जाम से। ये देखो अना ले लला, गर्मी है अना ले। न थोड़ी दौड़ो, दौड़े नहीं भाई। अच्छा हाथ पकड़ो, हम तुम कुछ करी नहीं, हमने तुम तक ही सवेर सवेर ने थोड़ी रनिंग करो करो वाले की, ठीक है, इतनी बड़ी छत है, सुबह जल्दी उठ जाओ, पूरी रनिंग मारो। पता जब हमारे पैर चला था तो हम खुद ही दौड़े हैं भागे हैं, हमें अच्छा लगा था, लेकिन हमारे जब फिर होता हम कैसे चले। फिल्म नहीं तुमने देखी, जैसे हीरो हीरो ने कोई प्रॉब्लम हो तो हीरो हाथ पकड़ के बाजार, वो सही हो गया तो तुम नहीं हो जाए सही। दाग दी फायर फिल्म में नहीं, वो गाना तक दिल दीवाना ना जाने कब हो गया, वो हीरो बैठ होगा तब हीरो ने एक नहीं चला होगा, तब कुर्सी में बैठ होगा तो ध्यान है, दाग दी फायर फिल्म दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तूने ऐसे देखा के कुछ हो गया, लगातार आराम मिल गो कुछ दर्द में रात मिली इंजेक्शन से। रात के 9 बज रहे हैं, और इधर मम्मी जी बात कर रही हैं, और आज हमारे दोनों बच्चे सोए नहीं हैं, दरअसल दोनों अपनी मम्मी के पास नहीं, ये डर रहे हैं। और व्हाट्सएप पे एक लोगों ने चुड़ैल वालों वीडियो भेज दो, तब से इन लोगों ने देखो दोनों ने, तब से ही बहुत डरे हुए हैं। हम इनसे बोल रहे हैं आज की दुनिया में चुड़ैल वाले कुछ नहीं है, सिर्फ ये लोगों को डराने के लिए ऐसे काम करे जा रहे हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन हम कह रहे बच्चे डरना नहीं है, कुछ नहीं होता है चुड़ैल। पापा वो कपड़े पहनते हैं। हाँ कपड़े पहन ले कहूँ, जैसे हाँ मैं कपड़ा पहन ले, वैसे दरअसल इधर उधर घूमता है, देखो डर की वजह से अपनी मम्मी के पास है। बेटा डरने की कोई बात नहीं है, कोई नहीं होता है, ठीक है, भूत भूत होते नहीं है, ऐसे ही लोग डरा देते हैं कपड़े पहन के, ठीक, अच्छे बच्चे डरते नहीं हैं। दरअसल दोनों लेट गए दोस्तों, भाभी रूम पर जाना चाहते थी, वहां पर जाना उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया सुलेखा की वजह से, क्योंकि सुलेखा की तबीयत अभी ठीक नहीं, इस वजह से तो भाभी तो अब नहीं जाएंगी, जब ठीक हो जाएंगी सुलेखा तब जाएंगी भाभी। तो आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं अगली वीडियो में।